नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल सामान्य से अधिक बारिश हुई, वहीं बाढ़ ने भी राज्य के अधिकतर हिस्सों में जमकर कोहराम मचाया। लेकिन अब लोगों को बाढ़ और बारिश से थोड़ी बहुत राहत मिलती नजर आ रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान बारिश में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं आज राज्य भर में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग पटना के अनुसार मॉनसून ट्रफ का पश्चिमी छोर हिमालय की तलहटी में स्थित है और पूर्वी छोर हरदोई गया जमशेदपुर से होकर गुजर रहा है। उत्तर आंध्र प्रदेश दक्षिण ओडिशा तट से पश्चिम मध्य और निकटवर्ती उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव क्षेत्र का केंद्र, वहां से दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी तक बन रहा है। ऐसे में मानसून कमजोर पड़ सकती है और बारिश में गिरावट देखने को मिलेगा, इसके साथ ही तापमान में बढ़ोतरी होगी। चलिए अब जिलेवार ढंग से देखते हैं आज यानी 18 अगस्त के मौसम का हाल। IIMD पटना द्वारा मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिमी बिहार के जिले पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में आज कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। उत्तर मध्य बिहार के जिले सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर और समस्तीपुर में भी कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। उत्तर पूर्व बिहार के जिले सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा और पूर्णिया जिले में आज कई स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण पश्चिम बिहार के जिले बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण मध्य बिहार के जिले पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय जिले के कुछ ही जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है। दक्षिण पूर्व बिहार के जिले कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया जिले के कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। विशेष रूप से राजधानी पटना और आसपास के इलाके की बात करें तो अगले 24 घंटे के दौरान मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। बारिश में आई गिरावट की वजह से तापमान में बढ़त देखने को मिलेगी, जहां अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के मौसम के साथ अपडेट्स रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।